मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बारिश का मौसम है, देखिए बारिश तो होना ही था, तो मैं थोड़ा निकली थी, थोड़ा काम है। तो साथ साथ मुझे लंच भी प्रिपेयर करना था, और शाम में थोड़ा काम है। 14 फरवरी है, फरवरी है आज। 14 फरवरी मेरा बच्चे की बर्थडे है, और मैं आज सेलिब्रेट करूँगी मेरा इतने सालों की मदरहुड। तो सेलिब्रेट किया, थोड़ा सा गेट टुगेदर हम सब मिलकर खाएंगे, बस बच्चे हैं ना, खुश हो जाएंगे इसे। तो शाम के लिए तैयारी करनी है और लंच भी बनाना है। लंच में ये साग किस टाइप की साग है, आप लोग किस किस को पता है, अगर कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हो तो बता सकते हो। बहुत हेल्दी है ये, और ये एक कबाब है, बड़ा टेस्टी है, वेजिटेबल कबाब है ये, कटहल की कबाब। ठीक है, ये लंच हो गया। दाल बनाया था, और ये बनेगी। मैं कैसे बनाया आज फुल रेसिपी तो नहीं दिखाऊंगी, इतना मज़े की बनी थी क्या बताऊँ आप लोगों को। तो आज मैं फुल रेसिपी नहीं देख रहा, जस्ट थोड़ा थोड़ा क्लिप्स उठाऊँ, क्योंकि इतना भाग दौड़ हो रहा था ना, निकल वो थोड़ा निकलो फिर खुद के हाथ से कुछ बना। निकला क्या, क्योंकि केक लाना था, बट बाज़ार में जाकर इतना बड़ा केक पहले ऑर्डर नहीं किया ना, कोरोना की वजह से बड़ा बड़ा केक नहीं बन रहा है, तो छोटा सा एक मिला था, मैं जैसा मिला था वैसी लेके आ गया। एंड आके एक केक बनाना अभी है मुझे, बनाया। फिर ये बिरयानी भी थोड़ा बनाया, और थोड़ी थोड़ी और थोड़ी जितना हो सके मैं घर में अरेंज किया। तो एक्चुअली ये बर्थडे के साथ साथ ये मेरा मदरहुड भी है, मदरहुड सेलिब्रेशन भी है। आई होप आप लोग एंजॉय करोगे एंड तक वीडियो देखो। और वीडियो के एंड में एक टिप्स है आप लोगों में, कैसे मैं नींबू, इस सीज़न में बहुत सारे नींबू निकलते हैं ना, नींबू को कैसे मैं स्टोर किया, ये थोड़ा दिखाऊंगी आप लोगों से। क्योंकि ये 14 और 15 जुलाई की क्लिप से, 14 जुलाई में मेरा वो प्रोग्राम था इसका, और 15 जुलाई में मैं नींबू की वो किया, तो दोनों मिलाकर अच्छा सा एक ब्लॉग बनाया आप लोगों के साथ। कुछ देखोगे तो एंजॉय भी करोगे एंड कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिए, लिख कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब जरूर, एक सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब करो, और साथ में जो बेल आइकन है ना वो दबाओ, ताकि मैं जब नया वीडियो डालूँगी तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे। प्लीज़ यार आप लोग साथ दो मेरा, और जिस लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उन लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। देखिए जब भी बिरयानी दम लगाए वो ना नीचे पुराना एक तवा दे देना, और फुल फ्लेम में रख दो, दम अच्छी तरह निकल के आते, नीचे से जलते भी नहीं है। और इतना मज़ा की मिला बना था ये बिरयानी मज़ा की बना। और मैं जितने चीज़ है पहले वो उसको मैरिनेट करके सब रेडी करके रखा, फिर 4 साढ़े 4 बजे चावल के साथ दम लगाया। इसमें वेजिटेबल भी है, और मटन चिकन भी है, एग है, पोटैटो है, और ये शाम की थोड़ा सा तैयारी। मैंने वो बाकी सारे क्लिप्स ना वो उठाए भी नहीं, क्योंकि मुझे ही सब कुछ करना है ना, उठाया भी नहीं। और जो उठाया मैं किसी को बिना पूछ के किसी को वो करना नहीं चाहती हूँ, मैं कैमरा के सामने लाइन आना चाहती हूँ। और मैं लोग आने के बाद में कुछ कैमरा पकड़ा भी नहीं, अच्छा नहीं लगता ना। और ये देखिए छोटा सा एक केक और मैंने बनाया घर में, और एक केक आइसिंग करने के लिए मुझे टाइम भी नहीं मिला, और मेरे
करना भी नहीं चाहते ना, सर कोई केक के साथ आए वो क्रीम पसंद नहीं करते। तो मेरे घर में जो केक बना वो भी बहुत मज़े की बना था, बाहर वाला तो सुंदर भी टेस्टी भी। तो ये था मेरा छोटा सा बर्थडे भी और ऐसे ही मेरा मदरहुड की थैंकफुल। एंड और एंड में थोड़ा क्लिप्स देख लो आप लोग। और बाकी सारे चीज़ जो जितना बिरयानी या वो कुछ थे ना, मैं थोड़ा गौर गौर में बेच दिया, क्योंकि इस सिचुएशन में कोई आना नहीं चाहते और मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर कुछ हो जाए तो लोग सोचेंगे उधर गेट टुगेदर हुआ था तो ऐसा हुआ, और खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। खुद भी सेफ रहो, दूसरे को भी सेफ रखो, यही हम लोगों का वो है, मन में है इसलिए। और थोड़ा सा क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करिए किया, अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना। और इनमें से क्या अच्छा लगा बताना ज़रूर। और ये नेक्स्ट डे है 15 जुलाई, तो कल का थोड़ा बचा हुआ खाना रह गया था, वो है वो तो है ही, तो और थोड़ा बहुत मना के मैंने किचन का काम समेट के। ये देखिए इतना सारे नींबू है, ये इतना सारे लेमन है, हमारे घर की है, हमारे पेड़ की है, तो एक साथ तो इतना सारा नींबू खाया नहीं जा सकता ना। तो मैंने एक टिप्स खुद से निकाला, बट पिछले साल भी मैंने ऐसा रखा था आप लोगों से शेयर, तो मैं यूट्यूब में नहीं थी, तो इस बार मैं सोच रही थी आप लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि जिसके घर में नींबू है ही नहीं, बाज़ार में तो बहुत सस्ते में मिल रहा है ना, तो थोड़ी दिन के बाद नींबू नहीं मिलेगा, तो अब दोखला या बिरयानी या कुछ भी या नींबू पानी बनाओ ना, तो नींबू ऐसे स्टोर करके रख के देखना। नींबू पानी बनाना भी बहुत आसान है, एक क्यूब डाल दो और झट से हो जाता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, बिल्कुल टेस्ट नहीं जाता, क्योंकि मैं यूज़ कर चुकी हूँ, पिछले साल मैंने भर के रखा था। और क्या बताऊँ, ये टिप्स मुझे इतना हेल्पफुल लगा, इतना मुझे ज़बरदस्त काम की लगा मुझे, आसानी से यूज़ कर सकते हो आप। बस ऐसे रस से निकालो, जितना हो सके निचुड़ के रस से निकालो, हो सके तो थोड़ा ये इसमें थोड़ा पानी डाल के आप भी वो कर सकते हो, या फिर ये कंसेंट्रेट करके भी आप, मैं तो ऐसे ही पानी सानी ना डाल के पूरा क्यूब बनाकर फ्रिज में रखती हूँ। इतना सारे रखा, फिर अब तो ये सब नहीं खाऊंगी, जब नींबू बाज़ार में एकदम कम हो जाएगा ना, एक नींबू 10 रुपये के ऐसे कुछ दिन पहले हम लोग खरीदते थे, तो अब नींबू का इतना क्रेविंग हो रहा था, फिर नींबू नहीं मिल रहा है, इस टाइम में ये सब बना रहे। अब तो बाज़ार में सस्ता ही सस्ता है, अब कोई खरीद के रख सकते हो, जिसका रखने की मन है आप रख के देखो, बहुत ही मुझे थैंक्स बोलोगे। मैं अपने तरफ से ही ये किया, बट बाद में मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे रख रहे हैं। तो ये रहा आज का मेरा 2 दिन का क्लिप्स, कौन सा पार्ट कौन सा डे, 14 जुलाई या 15 जुलाई की ब्लॉग्स आप लोगों का अच्छा लगा, पार्ट्स आप लोगों का अच्छा लगा, यूज़फुल लगा कौन सा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
एंड मैं ये सब दिखा के आप लोगों से विदा ले रही हूँ। मेरे साथ बने रहना हमेशा एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।